चास डीएसपी ने किया थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक, कहा जल्द होगा नारकेरा महिला हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी। चास डीएसपी पीके सिंह अनुमंडल अंतर्गत सभी थाना एवं ओपी प्रभारियों के साथ लंबित मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जहां उन्होंने पत्रकारों को बताया कि वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार अनुमंडल के सभी थाना एवं ओपी प्रभारियों के साथ पासपोर्ट एवं अन्य लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश पर आज समीक्षा बैठक थाना प्रभारियों के साथ किया जा रहा है, ताकि लंबित मामलों को लेकर किसी भी आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही 5 वर्षों से अधिक समय से चोरी डकैती छिनतई समेत अन्य मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया। वहीं नारकेरा गांव में हुए महिला के हत्या के बारे में पूछने पर बताया कि अनुसंधान जारी है, बहुत जल्द आरोपी गिरफ्त में होंगे। मौके पर अंचल पुलिस निरीक्षक मोनू टुड्डू, थाना प्रभारी मुकेश कुमार, सियालजोरी थाना रवि शर्मा, बरमसिया ओपी प्रभारी दीपक कुमार साह, अमलाबाद ओपी प्रभारी धनंजय कुमार, भोजुड़ी ओपी प्रभारी दानिश इकबाल, चास मुफद्दिल के नरेंद्र कुमार यादव समेत अन्य लोग उपस्थित थे। हाँ, चंदनचारी थाना में आज चास अनुमंडल के जितने थाना प्रभारी हैं उनके साथ बैठक की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के अनुसार यहाँ पर बैठक की गई है। इसमें मुख्यतः जो भी थानों में लंबित पासपोर्ट के और कैरेक्टर वेरिफिकेशन लंबित वारंट की हैं उनका अविलंब निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ जो पूर्व के लंबित कांड है 5 वर्ष से अधिक के, उनका निष्पादन इनको प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया गया है। सर, बाकी कई लंबित, हाँ बाकी और वैसे भी कई अनुपेटित कांड हैं, उनको लेकर के भी हम लोग अभी रिव्यू कर रहे हैं, उस पर भी इनको उचित दिशा निर्देश दिया जा रहा है। जैसे सर एक नरकेरा वाला है सर, हाँ नरकेरा में जो हत्या हुई थी महिला की, उस पर भी हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं, बहुत जल्द उसका खुलासा किया जाएगा।